हाय, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इधर यूपी टीजीटी पीजी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा चुका है। एग्ज़ाम की डेट तो खैर अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म भरा जा चुका है। NVS, KVS, ये सारी वैकेंसीज लाइन से लगी हुई हैं। और जो लोग नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी खैर एग्ज़ाम लगा ही हुआ है। तो आप सब के लिए आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं और आप सबको इसमें बहुत 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 मजा आने वाला है। इसलिए सेशन में अंतिम तक बने रहिएगा। ग्रीक ट्रेजेडी से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी के लिए सेशन के साथ अंतिम तक बने रहिएगा। और न सिर्फ बने रहिएगा बल्कि सेशन को लाइक और शेयर करके और भी लोगों को इनवाइट कर लीजिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। ग्रीक ट्रेजेडी को ही आप क्लासिकल ट्रेजेडी ट्रेजेडी भी बोलते हैं, ओल्ड ट्रेजेडी भी बोलते हैं ना। ये सारे नाम इसी ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। आज उसी ग्रीक ट्रेजेडी की इंसाइक्लोपीडिया आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन के साथ विदाउट बीइंग लेट। चलिए, बहुत बढ़िया। सेशन लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो। और सेशन निश्चित तौर पर पसंद आएगा, बस आपको अंतिम तक इस सेशन के साथ बने रहना है। तो आइए शुरू करें। कहानी क्या है ग्रीक ट्रेजेडी के पिटारे में? द ग्रीक ट्रेजेडी इज अ रस्टिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। ग्रीक ट्रेजेडी क्या है? ड्रामा का एक रस्टिक मतलब क्या होता है? ओल्ड फॉर्म, जिसको आप देहाती भी बोल सकते हैं, यानी एकदम ओल्डेस्ट वर्जन है। विच टुक इट्स बर्थ इन द विलेज ऑफ एटिका। एकदम ओल्ड इंग्लैंड की बात करें तो एक गांव था एटिका, जहां ट्रेजेडी की शुरुआत हुई। ओरली बोल बोल के लोग ट्रेजेडी सुनाया करते थे। उसी एटिका गांव से इसकी शुरुआत होती है। इट इज बिलीव्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाई थेस्पिस इन द 6th सेंचुरी BC। और ऐसा माना जाता है कि ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक ट्रेजेडी आज हम जानते हैं रिटन फॉर्म में, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था थेस्पिस ने 6th सेंचुरी BC में। ट्रेजेडी में क्या होता था? लिरिकल सॉन्ग होता था, जिसको हम डिथिरैम्ब के नाम से जानते थे। ग्रीक ट्रेजेडी में एक लिरिकल सॉन्ग होता था, जिसको हम डिथिरैम्ब से रैम रैम के नाम से जानते थे। और ये जो लिरिकल सॉन्ग होता था, ये किसको एड्रेस करता था? ग्रीक गॉड डायनेसस को एड्रेस करता था। किसको एड्रेस करता था? ग्रीक गॉड डायनेसस को एड्रेस करता था। हु इज द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। और ये जो डायनेसस हैं, ये वाइन और फर्टिलिटी के गॉड हैं ना। ग्रीक गॉड डायनेसस को एड्रेस किया जाता था इस ट्रेजेडी में, और ये वाइन और फर्टिलिटी के गॉड हैं। ट्रेजेडी ग्रो अप ऑफ डिथिरैम सॉन्ग्स। द वर्ड ट्रेजेडी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडाई। ट्रेजेडी डिथिरैम्ब सॉन्ग के थ्रू ही, यानी सॉन्ग 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 गाने के माध्यम से ही ट्रेजेडी को डिस्क्राइब किया जाता था। और जो भी ट्रेजिक स्टोरीज या जो भी ट्रेजिक इंसिडेंट बताए जाते थे, वो इसी सॉन्ग के माध्यम से ही बताए जाते थे। द वर्ड ट्रेजेडी हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोडाई, मीनिंग अ गोट सॉन्ग। ट्रेजेडी शब्द कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड है ट्रेजोडाए, वहीं से ट्रेजेडी शब्द है, जिसका मतलब होता है गोट सॉन्ग। इन ग्रीस द गोट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ डायनेसिस। एक्चुअली गोट सॉन्ग से क्यों ट्रेजेडी लिया गया? क्योंकि ग्रीक में, ग्रीक माइथोलॉजी में गोट को डायनेसिस का सिंबल माना जाता था। डायनेसिस, जो गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी थे, इनका सिंबल माना जाता था। एंड सो वॉज अवॉर्डेड टू द विनर्स ऑफ द ट्रेजेडी। और जो भी ट्रेजेडी का विनर होता है, यानी जिसकी ट्रेजेडी ज्यादा अच्छी होती थी, उसको अवार्ड के रूप में गोट ही दी जाती थी। इसीलिए ट्रेजेडी इसका नाम पड़ गया। द ट्रेजेडी वर प्रेजेंटेड एट सर्टेन एनुअल फेस्टिवल्स इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के महीने में एनुअल फेस्टिवल में ट्रेजेडी प्रेजेंट की जाती थी, और जो इसका विनर होता था, उसको गोट जो है वो उपहार स्वरूप दी जाती थी। इसीलिए इसका नाम ट्रेजोडाए पड़ा। ट्रेजोडाए सबसे है, ट्रेजेडी पड़ा। इसमें एक रोल होता था कोरस का। कोरस क्या होता था? कोरस एक इसेंशियल एलिमेंट, यानी महत्वपूर्ण भाग है ग्रीक ट्रेजेडी का। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन। एक्चुअली ये महिला और पुरुषों का एक ग्रुप होता था, जो कि बहुत लोअर रैंक के होते थे।
ये लगभग 12 से 15 संख्या में होते थे और ये कैरेक्टर की डेस्टिनी में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, यानी आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है। इनके द्वारा कही गई बातों से या इनके द्वारा जो सॉन्ग गाया जाता था उससे हमको पता लगता था आगे ट्रेजेडी में क्या होने वाला है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये उन घटनाओं को भी बताते जो ऑफ स्टेज, यानी कुछ ऐसा तो है नहीं ड्रामा में हर चीज दिखाई जा सकती, अगर हर चीज दिखाएंगे ड्रामा बोरिंग हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, नरेट करके कुछ चीजों को ऐसे ओरली बता देते थे ना, और उसके थ्रू कुछ मोरल कमेंट देते थे। इनका पहनावा जो है बड़ा यूनिक टाइप का, यानी ये जानवरों के जैसा ही अपना लुक बना के रखते थे, और क्रिटिक कहते हैं कि संभवतः ये गोट जैसा ही अपना लुक बना के रखते थे ना, गोट जैसा ही चेहरे पर मास्क लगाते थे। दे एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स इन द लिरिकल मीटर अकंपनीड ऑन फ्लूट, बांसुरी के साथ साथ ये लिरिकल तरीके से यानी सॉन्ग के तरीके से अपनी बात रखा करते थे। अ ग्रीक ट्रेजेडी कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स, ग्रीक ट्रेजेडी में क्या क्या पार्ट्स थे, क्या क्या एलिमेंट्स लगे उनके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले था प्रोलॉग, द पार्ट बिफोर द एंट्रेंस ऑफ द कोरस, कोरस के आने से पहले यानी कोरस स्टेज पे आए उसके पहले ये पार्ट अदा किया जाता था। इट स्टेटेड द सब्जेक्ट ऑफ द ड्रामा, इसमें ड्रामा का सब्जेक्ट बताया जाता था, सिचुएशन बताई जाती थी कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद कोरस गाना गाते हुए अंदर आते थे। दैट दिस कोर्स एंड सीन्स इन विच द कोरस एंट्रेंस्ड विद द एक्टर्स, पहले ये प्रोलॉग होता था फिर कोरस जो है वो एक्टर्स के साथ अंदर आते थे। डेटा सोर्स माइट कंटेन लिरिकल पैसेजेस लैमेंटेशन और द इंसिडेंटल सॉन्ग, कई बार क्या होता था कि जो चीजें प्रोवाइड कराई जाती थी वो लिरिकल पैसेज में होती थी, लैमेंटेशन की स्टाइल में यानी विलाप करते हुए आते थे, या कोई इंसिडेंटल सॉन्ग जो सिचुएशन से रिलेटेड सॉन्ग होगा उसको गाते थे। कोरस के आसपास ऑर्केस्ट्रा होता था और उसकी उसी ऑर्केस्ट्रा के सहारे ये गाना गाते थे। सॉन्ग्स वर ओरिजिनली बाय एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इवोक्ड बाय द प्रिसीडिंग एपिसोड, और सॉन्ग ऐसा होता था जो आगे आने वाले एपिसोड में कुछ इमोशन अराइज करे, और उसके बाद लास्ट में कोरस क्या करता था, मोरल लेसन देता था, नैतिक शिक्षा देता था। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स, इनकी एक रचना है पोएटिक्स, इसमें उन्होंने जोर देकर बताया कि ट्रेजेडी शुड बी कथार्टिक, ट्रेजेडी कथार्टिक होनी चाहिए, यानी मतलब दैट इट शुड बी अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, यानी इसमें डर का भी भाव हो और दया का भी भाव हो ऑडियंस के मन में। डर किस लिए हो कि आदमी कुछ भी गलत करेगा चाहे वो सुपरमैन ही क्यों ना हो उसको सजा मिलेगी, और फियर की सॉरी पिटी किसके लिए हो, उस हीरो के लिए कि यार ये अच्छा तो था लेकिन लास्ट में इसको डाउनफॉल देखना पड़ा। और बेटर एम्फेसाइज दैट ट्रेजिक हीरो शुड बी अ मैन ऑफ हाई रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, और कहते थे कि और बेहतर प्रभाव के लिए यानी इमोशनल प्रभाव के लिए हीरो जो होना चाहिए वो हाई रेपुटेशन और प्रॉस्पेरिटी का होना चाहिए, ताकि जब उसका पतन हो तो लोगों को लगे कि यार जब ये चला गया तो फिर हम आप तो सामान्य आदमी है चले ही जाएंगे। ही शुड नीदर बी अ कंप्लीट हीरो नॉर अ कन्फर्म विलन, अरिस्टोटल कहते थे कि ट्रेजेडी का जो हीरो होना चाहिए ना तो वो पूरी तरह हीरो हो ना ही वो पूरी तरह विलेन हो, यानी उसमें हीरोइक क्वालिटीज हो बट कुछ विलेनियस विचार भी उसके अंदर होने चाहिए। ही शुड हैव सम फ्लॉ इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ दोष होना चाहिए जो अल्टीमेटली उसको उसके डाउनफॉल तक ले जाए, और इस डाउनफॉल को एरिस्टोटल ने हैमार्सिया का नाम दिया था। जैसे आप मैकबेथ पढ़ते हैं तो मैकबेथ में मैकबेथ का वॉल्टिंग एम्बिशन उसको उसके डाउनफॉल तक ले गया, हैमलेट का प्रोक्रास्टिनेशन उसको उसके डाउनफॉल तक ले गया ना। अब बात करें पेरिपेटिया की, तो एरिस्टोटल ने एक कॉन्सेप्ट पेरिपेटिया का भी दिया था और एनाग्नोसिस का भी दिया था, मैंने दोनों लगा भी दिया है। पेरिपेटिया इज द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, परिस्थितियों का चेंज होना। मैकबेथ राजा बन के आराम से रह रहा था लेकिन उसको डर था कि राजशाही चली जाए, इस वजह से वो लगातार हत्याएं करता रहा, और बाद में मैकडफ ने मैलकम को मनाकर सेना लेके आया और उसको मार दिया, तो सिचुएशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और ये सिचुएशन तब रिवर्स होती जब ट्रेजेडी आनी होती, ट्रेजेडी आनी होती। मैकबेथ सकुशल शासन कर रहा था लेकिन फिर उसका दिमाग फिर और उसने हत्याएं करनी शुरू करी और जिससे उसकी ट्रेजेडी दिखने लगी, और बाद में मैकडफ ने वो शुरुआत भी कर दी और कहानी रिवर्स हुई, मैकबेथ को मरना पड़ा, मैकडफ ने उसका कत्ल किया, उसका सर अलग किया और मैलकम को राजा बना दिया। इट्स कोर्स एंड नॉट अ कॉम्प्लेक्सिटी अराइज इन द रिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स विच मस्ट बी रिजॉल्व,
कहते थे कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिससे कहानी उलझे थोड़ा सा, ऑडियंस थोड़ा सा परेशान हो, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस तरह का विचार बने और फिर लास्ट में वो रिजॉल्व हो जाए। और एनोग्नोसिस क्या है? एनोग्नोसिस है रिकॉग्निशन ऑफ सिचुएशन, परिस्थितियों का आकलन, परिस्थितियों का आकलन। देखिए एनाग्नोसिस का मतलब रिकॉग्निशन होता ही है। एरिस्टोटल ने अपने पोइटिक्स में ही इसको कहा था कि ये प्लॉट और ट्रेजेडी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसमें क्या होता है, आप रिकॉग्निशन करते हैं सिचुएशन की, अब क्या परिस्थिति बनने वाली है या किस तरह की चीजें अब होने वाली है। एरिस्टोटल ने तीन यूनिटीज का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तीन यूनिटीज क्या थी? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। पब्लिक शुड बी इंडेड इन 24, सॉरी, अ ड्रामा शुड बी इंडेड, पब्लिक में प्ले अ ड्रामा, अ ड्रामा और अ प्ले शुड बी इंडेड इन 24 आवर। इसको यूनिटी ऑफ टाइम यानी ड्रामा 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल प्लेस। दूसरा कहना था कि एक ही स्थान की, जैसे स्कॉटलैंड की कहानी मैकबेथ की है, स्कॉटलैंड में ही सारी कहानी हो जानी चाहिए। और तीसरा, इसमें केवल एक एक्शन होना चाहिए। ट्रेजेडी है तो कंप्लीट ट्रेजेडी, कॉमेडी है तो कंप्लीट कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर ने इनकी दोनों बातें मानी थी, तीन यूनिटीज में थे। एक्शन टाइम का और प्लेस की यूनिटी फॉलो करते थे, एक्शन की यूनिटी फॉलो नहीं करते थे। आपने देखा विलियम शेक्सपियर के प्लेज में ट्रेजेडी के बीच में एक छोटी छोटा सा कॉमिक एक्ट जरूर आता था, जैसे आपके मैकबेथ में पॉटर सीन आया ना, और हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन आया ना। तो ये क्या करते थे, ये बीच में थोड़ा सा हंसाते थे, क्योंकि शेक्सपियर का मानना था कि अगर आदमी को लगातार रुलाएंगे पूरी ट्रेजेडी में, तो एक समय आएगा जब उसका दुख समाप्त हो जाएगा, उसका रोने का मन नहीं करेगा, क्योंकि भाव है, भाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ देर रुलाकर फिर हंसाएं और फिर उसको रिलाना शुरू करें, तो वो दुगने भाव से रोएगा, ये उनका मानना था। इसलिए वो इसको नहीं मानते थे तीसरी यूनिट को। इसके अलावा इन्होंने 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी ग्रीक ट्रेजेडी के बताए, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टिकल। मैंने यहां आपको लगा दिया है स्लाइड, आप देख भी सकते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन टू इट नहीं ग्रीक ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ फेट। ग्रीक ट्रेजेडी को हम ट्रेजेडी ऑफ फेट के नाम से भी जानते हैं। द बिलीफ इन द नेचुरल फोर्स इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ग्रीक ट्रेजेडी में ऐसी कहानी दिखाई जाती थी, या इस तरह से प्रेजेंटेशन होता था कि हमको ये एहसास हो सके कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली चलेगी गॉड की ही, यानी ईश्वर जो चाहेगा होगा वही, हम कितना भी अपना जोर लगा लें। इट इज प्राइम फंक्शन वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग अराउज बाई मेन्स ही स्ट्रगल्ड विद द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अपीयर टू गवर्न हिज लाइफ। इसमें दिखाया जाता था कि इसका जो मेन फंक्शन एक्सप्रेशन का वो ये है कि आदमी कैसे बाहरी शक्तियों से जूझ रहा है, कौन सी शक्तियां जो उसके लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैकबेथ आप देख रहे हैं कि इंटरनली भी परेशान था और बाहर के अपने दुश्मनों से भी लड़ रहा था। सोफोक्लीज ने इसको कहा था द एनकाउंटर ऑफ मैन विद मोर देन मैन, यानी आदमी का एनकाउंटर आदमी से ज्यादा किसी चीज से, यानी आदमियों से तो जूझ ही रहा है, कुछ दैवीय चीजें भी हैं जिनसे वो जूझ रहा है, कुछ ऐसी उसकी किस्मत आई कि उसको जूझना ही पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हैं ओडिपस रेक्स, तो ओडिपस की क्या उसमें गलती क्या थी? कुछ नहीं गलती थी, उसको तो जो नियम था उसका उसने वही फल, उसको तो पता नहीं था जिसको उसने मारा वो उसका पिता है, जिससे शादी किया उसकी माँ है। तो ये ट्रेजेडी उसके फेट उसकी किस्मत में थी, अब वो उससे मजबूर था, वो उससे जूझ नहीं सकता था, वो संघर्ष किया लेकिन अंत में फिर अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। एंटीगन प्ले में एंटीगन कैरेक्टर कहता है देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट विजडम एंड विजडम लाइव्स इन द सबमिशन ऑफ गॉड्स। संसार में बुद्धिमत्ता के बिना खुशियां नहीं अचीव कर सकते, और बुद्धिमत्ता कहां से मिलेगी? जब आप भगवान के प्रति समर्पित होंगे, जब आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, तब आपको खुशियां मिलेंगी। ईश्वर के प्रति समर्पण ही आपके अंदर खुशियां लेकर आएगा। थेस्पिस जो कि ग्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर भी थे, इनके बेस्ट नोन प्लेज है कैप्चर ऑफ मेलेटस, फोनेसी, जिसमें कैप्चर ऑफ मेलेटस इतना पैथेटिक है
ऑडियंस बिना रोए इस पूरे ड्रामा को देख ही नहीं सकती, या पढ़ते समय रीडर आंखें उसकी भर ना आए, ये संभव ही नहीं। एचिलस को हम ट्रू क्रिएटर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं। इनके बेस्ट नोन प्लेज हैं सेवन अगेंस्ट थेबर्स एंड प्रोमेथस बाउंड। ये नाम याद रखिएगा, ग्रीक ट्रेजेडी के जो राइटर हैं इनके नाम पूछ लिए जाते हैं और इनका वर्क पूछ लिया जाता है। सोफोक्लीज बेस्ट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर के नाम से जाने जाते हैं। ये इनोवेटर भी थे, इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी में कुछ इंप्रूवमेंट भी किए। ही डेवलप्ड द स्टेज सीनरी, इन्होंने स्टेज सीनरी डेवलप की, थर्ड एक्टर का कॉन्सेप्ट लाया, और नंबर ऑफ कोरस कितने स्टेज पर होने चाहिए ये इन्होंने डिसाइड किया। इनका एक प्ले था ओडिपस रेक्स, जो कि ग्रीस कॉन्सेप्शन पर आधारित था कि ह्यूमन इंपॉर्टेंस विच मे पनिश अ मैन फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू टेरिबल मिजरी। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, भले ही वो राजा हो जाए, लेकिन ईश्वरीय आदेश के आगे उसका कुछ चलता नहीं। तो कभी कभी आदमी प्रॉस्पेरिटी से अपने टेरिबल मिजरी एकदम अपने पतन की तरफ चला जाता है ईश्वरीय आदेश के अनुसार। ओडिपस जो कि किंग है थेबस का, वो जोकास्टा से शादी करता है और जोकास्टा के हस्बैंड लुइस को मार देता है। लेकिन जब डिस्कवरी होती है, आकाश से एक भविष्यवाणी होती है और उसको पता लगता है कि ओडिपस जो है वो जोकास्टा का बेटा है, जोकास्टा और लुइस का, तो ओडिपस अपने आप को अंधा कर लेता है और जोकास्टा अपने आप को मार लेती है। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है, लुइस को एक भविष्यवाणी हुई कि उसका जो बेटा पैदा होगा जोकास्टा से, वही उसकी हत्या करेगा। तो जैसे ही जोकास्टा को बेटा पैदा होता है, लुइस उसको एक आदमी को देता है, बोलता है इसको जाके मार दे। लेकिन माँ जो है वो कोमल हृदय की होती है, तो माँ ने कहा उसको, उस दरबारी को, कि तुम इसको मारना मत, कुछ मोहरे मुझसे ले लो, इसको जंगल में फेंक देना, किसी भी जानवर का मांस लाके उसका हृदय लाके तुम राजा को दे देना, कह देना कि मैंने बच्चे को मार दिया है और इस बच्चे को जंगल में छोड़ देना, इसका भाग्य जैसा होगा वैसे ये बचेगा, नहीं तो जानवर खा जाएंगे। उस आदमी को क्या, उसको मोहरे मिले, उसने वैसा कर दिया। अब उस बच्चे को वहां के जो जंगली जो लोकल एबोरिजिनल पीपल थे उन्होंने उठा लिया, उनके साथ वो पला बढ़ा, चूंकि वो राजा का लड़का था तो राजशाही नेचर तो उसके अंदर ऑलरेडी था, उसके अंदर हमेशा से राजशाही नेचर ही था। उन लोगों के साथ वो पला बढ़ा और धीरे धीरे उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और अपनी सेना मजबूत की। उसके बाद उसने अपने ही पिता के राज्य पर आक्रमण करके, पिता की हत्या करके राज्य पर कब्जा कर लिया। उस समय ये कानून था कि जिस भी राजा को आप मारेंगे उसकी पत्नी से आप विवाह करेंगे। उसने जोकास्टा से शादी कर दी, लुइस लुइस को मारकर जोकास्टा से शादी कर ली। अब उसको जोकास्टा से बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई तो पता लगा कि जिसको उसने मारा वो उसका पिता था और जिससे उसने शादी की वो उसकी माँ थी। इतना सुनने के बाद ओडिपस ने अपने आप को ब्लाइंड कर लिया और जोकास्टा ने अपने आप को मार लिया। यहीं से आपके सिगमंड फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का थॉट उठाया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का थॉट उठाया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहता है कि एक बेटा अपनी माँ के सबसे अधिक करीब होता है ना, कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट माँ से होता है, और इसी का अपोजिट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी एक बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है। इनके अदर वेल नोन प्लेस की बात करें तो एंटीगन और इलेक्ट्रा, यहां से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उठाया था सिगमंड फ्राइड ने। यूरिपिडस जो है वो तीसरे ग्रेट ट्रेजेडी राइटर हैं। ये एक रियलिस्ट भी थे और अपने बेस्ट नोन वर्क ट्रोजन वोमेन और हेलेन के लिए जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी इंपोर्टेड द मैसेज दैट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन द वर्शिप ऑफ गॉड। ग्रीक ट्रेजेडी हमको यही बताती थी कि जीवन का सबसे बड़ा सुख ईश्वर की प्रार्थना में ही है। ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर की शरण में रहिए, जीवन में सारी खुशियां हैं। द प्राउड वर्ड्स ऑफ एरोगेंट मैन आर ऑलवेज पनिश्ड। अगर कोई आदमी घमंडी हो जाता है, अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों से ऊपर समझने लगता है, उसको सजा मिलना तय है। एंड इट इज ओनली व्हेन पनिशमेंट कम्स दैट द एरोगेंट मैन लर्न्स विजडम। और जब पनिशमेंट आती है तो उस एरोगेंट मैन को बुद्धि तो आ जाती है, लेकिन उसका अल्टीमेटली पतन हो जाता है, यानी फिर उस बुद्धि का कोई उपयोग रह नहीं जाता है। तो ये थी गाइस आज की ग्रीक ट्रेजेडी। होप आपको ये पसंद आया होगा सेशन, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो जो फैक्ट मैंने आपको बताया मैंने अलग कलर से रख दिए हैं, वो जरूर याद रखिएगा, वहां से कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के रूप में मिल जाती हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सेशन को लाइक शेयर
और कमेंट जरूर करिए, चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।